वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग ऐसे ही टहल रहे हैं गांव के आसपास में, तो यहाँ पे देखो आप चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। यहाँ भी चारों तरफ पीछे सब्जी की खेती है बहुत सारी, जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक। और ये कुछ पेड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, साइड का जंगल भी बहुत ज्यादा। गांव में वही तो होता है, ये देखिए हरियाली बहुत रहता है गांव में। ये देखिए ये सामने बैगन का खेत है दिख रहा है यहाँ से, पीछे इधर पूरा ये करेला की खेती है यहाँ पे। और ये देखो इस तरफ भी वही करेला ही है जो भी छोटा पेड़ है। और इस तरफ रेडी है, यहाँ से तोड़ के मार्केट में सेल करते हैं। कद्दू भी है, करेला भी है। ये देखो करेला एक ऐसे है, अंदर जाने पे दिखेगा और ज्यादा। और यहाँ पे सबसे मस्त चीज है यहाँ की हरियाली, गांव में एकदम हरा भरा होता है हर चीज, यही तो गांव का मजा है। आप लोग को दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ पे क्या होता है गांव में दिक्कत, फसल नुकसान। यहाँ दिख रहा है कुछ छोटा सा, ये देखो ये है लोकल लैंग्वेज में इसे घोड़परास कहा जाता है। इनका काम होता है आप कुछ भी लगाओ खेत में फल आएगा, उसके बाद इनका हमला होता है और ये लोग खाते हैं बड़े मजे से। अभी तो ऐसे भी लौकी का सीजन है, लौकी करेला तो वो और चाव से खाते हैं। इसी वजह से लोग फेंसिंग करते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये फेंसिंग है चारों तरफ से, यहाँ से वहाँ से, यहाँ पे भी है, चाहे जितने भी खेत में देख लो सारे खेत में वही लगा, साइड से फेंसिंग है चारों तरफ से ताकि उनके फसल को नुकसान न पहुँचे। और ये देखिए एकदम पीक पे खड़े हैं कि खेत वाले बाहर जाएंगे और वे हमला करेंगे इस पर। थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी नहीं है फिर भी दिख रहा है हल्का सा, ये अब शायद दिख रहा हो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जाने पे इतना तेज भागते हैं कि आप नहीं बचे तो आपको बहुत काफ़ी चोट लग सकती है, क्योंकि सर वो इंसान को देखते उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, भागने में बहुत तेज एकदम घोड़े की तरह होते हैं। ये भी सेम टू सेम आप देखो, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। अभी वही है किसी के खेत में है और उनका सारा सफाया कर रहे हैं। कुछ उस साइड है यहाँ पे और कुछ इस साइड है, जो कुछ दिख नहीं रहा है झाड़ी के पीछे है कुछ, और कुछ यहाँ पे जो सामने दिख रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है जो भी कहो, एकदम ठंडा ठंडा एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। आज बरसात का मौसम है इसलिए अक्सर बादल लगा रहता है, इसकी वजह से अच्छा लगता है शाम को टहलने में, ठंडा ठंडा मौसम रहता है और चारों तरफ हरियाली ऊपर से दिखेगी, मतलब लाइट इतना अच्छा होता है ना शाम के टाइम जब बादल और धूप दोनों एक साथ मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है और खूबसूरत भी लगता है देखने में। ये खजूर का पेड़ ये सबने खाया होगा, जो लोग भी गांव से आते हैं वो लोग सबने ट्राई किया होगा, ये खजूर खाया होगा, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी तो ये कच्चा है पका नहीं है, बट पकने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे हम लोग मछली ढूंढ रहे हैं पर मछली यहाँ है नहीं, बारिश हुई थी तो कुछ जगह मछली आई है लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है कहीं भी। कुछ देर इंतजार करने पे जरूर दिखेगी बट अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं है। क्या वो पीछे आपको दिख रहा है कुछ? और यहाँ पे यहाँ ये बकरी देखो कहाँ पे चढ़ी हुई है, कितना ऊपर। दिखाता हूँ मैं आपको करीब ले जाके, देखो इसे इतना ऊपर चढ़ी हुई है, अब नीचे आ रही है एक धीरे धीरे, देखना उतरती कैसी है, कैसे उतरती है नीचे। अभी भी खाने में ही लगी है दोनों,
ये पीपल के ऊपर चली गई थी वहां पे, अब वो दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे ये चली गई थी ऊपर वाली डार पे, और अब नीचे आई है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। सो अब घर की तरफ वापस जाते हैं क्योंकि अंधेरा होने लगा है, और घर लेट जाने पे क्या होता है सबको पता है, सो टाइम पे घर चले जाना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।